कि बीजेपी की मिर्ची क्यों लग रही है। पहले अपने आंगन में ना झाके बीजेपी। बफाड़ा किस आधार पर करेंगे? क्या देश के नाम पर सिर्फ वोट मिलेगा आपको? क्या राम और रहीम के नाम पर वोट मिलेगा आपको? क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर वोट मिलेगा आपको? क्यों नहीं विकास की बात करते हैं? विजय कुमार सिन्हा जी हों, आइया देश के प्रधानमंत्री जी हों, क्या हुआ करोड़ों की नौकरी? क्या हुआ 15 लाख के खाते में? क्या हुआ आरक्षण? क्या संविधान अभी खतरे में है? जो भारत का जो संविधान है ये दर्पण है। आज हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान आज गलत हाथ में चला गया है। नया बिहार के सभी जाति समुदाय के लोगों ने नकार न दिया बीजेपी को। 10,000 वोट का सिर्फ अंतर था तो इस बार फरिया न ले भाई। हम लोग लंगोटा पहनकर तैयार हैं, जिसको आना है फील्ड में आके फरिया लो। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफील्ड रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफील्ड लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कल पटना पहुंचे, जिसके बाद लगातार बीजेपी की तरफ से बयानबाजी किया जा रहा है। बीजेपी के नेता लोग जो है वो लगातार कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव बिहार तो आए हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, आने वाले 24 में कहीं ना कहीं महागठबंधन का सफाया कर देंगे। तो वही इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए SCST प्रकोष्ठ के राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान हैं। साधु पासवान जी, जिस तरीके से कल आपके नेता बिहार पहुंचे, इसको लेकर बयानबाजी की जा रही है, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि आने वाले 24 में कुछ भी नहीं होगा, सफाया कर देंगे महागठबंधन का। देखिए, परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नेता के साथ साथ एक विचार हैं और सभी जाति धर्म के चहेते भी हैं, सभी लोग मानते हैं। जिस तरह द्वितीय अम्बेडकर के बाद हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते, आज दलितों के जो हालात थे वो कभी सुधरता नहीं। आज आदरणीय लालू ही जी के चलते आज दलित या हो या बैकवर्ड हो, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो समाज के मुख्यधारा से नहीं अभी तक जुट पाए हैं, वो आदरणीय लालू प्रसाद जी का देन है कि आज कुर्सी पर भी बैठ रहा है और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। और जहाँ तक बीजेपी की बात है कि बीजेपी की मिर्ची क्यों लग रही है, पहले अपने आंगन में ना झाके बीजेपी। ये कह रही है कि सफाया होगा, सफाया तो पिछले चुनाव में जो आम चुनाव हुए थे, ये NDA वर्सेस UPA की लड़ाई हुई थी और NDA के तरफ से सैकड़ों हेलीकॉप्टर घूम रहे थे बिहार के कोने कोने में, और महागठबंधन के तरफ सिर्फ तेजस्वी यादव जी एक हमारा नेता थे, चेहरा थे, और उन्होंने ऐसा धोबिया पाठ मारा तेजस्वी जी ने बीजेपी के लोगों को, क्योंकि नानी याद है कितना हम लोग अंतर में थे। जितना NDA के टोटल वोट देखेंगे और टोटल महागठबंधन का वोट देखेंगे तो मात्र 10,000 का अंतर में रहा, तो फिर कहाँ वो हमें हरा पाए। आप उपचुनाव भी देखे होंगे, मोकामा का उपचुनाव देखिए, महागठबंधन चुनाव जीती। इसलिए बीजेपी को बोलने दीजिए, उन्हें मिर्ची लग रही है। लगातार 23 की बात कर रहे हैं, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा वो कह रहे हैं कि 23 आ गया है, वह वक्त आ गया है जब बिहार से महागठबंधन का सफाया हो जाएगा। मैं तो आपको उदाहरण दिया ना, सफाया किस आधार पर करेंगे? क्या देश के नाम पर सिर्फ वोट मिलेगा आपको? क्या राम और रहीम के नाम पर वोट मिलेगा आपको? क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर वोट मिलेगा आपको? क्यों नहीं विकास की बात करते हैं? विजय कुमार सिन्हा जी हों, आइया देश के प्रधानमंत्री जी हों, क्या हुआ करोड़ों की नौकरी? क्या हुआ 15 लाख के खाते में? क्या हुआ आरक्षण? क्या संविधान अभी खतरे में है? जो भारत का जो संविधान है
ये दर्पण है। आज हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान आज गलत हाथ में चला गया है। वो कह रहे हैं चोर दरवाजे से राजद आई है। मैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। फैसला करना तब जो पिछले आम चुनाव हुए उसमें बिहार की जनता ने और बिहार के सभी जाति समुदाय के लोगों ने नकार न दिया बीजेपी को। 10,000 वोट का सिर्फ अंतर था, तो इस बार फरिया न ले भाई, हम लोग लंगोटा पहनकर तैयार हैं, जिसको आना है फील्ड में आके फरिया लो। यह भी कहा जा रहा है उनके द्वारा कि 23 खत्म होने वाला है, लालू प्रसाद यादव बिहार आए हैं, आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा देंगे और अपने राजकुमार को कुर्सी। देखिए विपक्षी एकता एक होना चाहिए। जिस तरह केंद्र की सरकार विपक्ष के नेताओं को फंसाने की साजिश कर रही है, उस जिस तरह केंद्र की सरकार बिहार में ही नहीं पूरे देश में युवा बेरोजगार हैं। आज पेट्रोल का दाम कहाँ हुआ, गैस का दाम का कितना बढ़ गया, आज हमारे बॉर्डर पर सैनिक मारे जा रहे हैं। इसलिए आज राहुल गांधी जी के साथ क्या हुआ, इसलिए विपक्ष के मैं विपक्ष के लोग एक हो रहे हैं। जब तक एक नहीं होंगे तब तक मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने में हम लोग नाकाम रहेंगे। इसलिए आदरणीय लालू जी का प्रयास है कि पूरे हिंदुस्तान के जो विपक्ष की पार्टी है एक मंच पर आवे और एक होकर जो नरभक्षी सरकार है बीजेपी उसको बिहार ही नहीं बल्कि देश से उखाड़ फेंके। क्या डरी हुई है क्या भाजपा लालू यादव के बिहार आगमन हो या फिर विपक्षी एकता को लेकर डरी हुई है क्या? देखिए मैं तो कह दिया ना कि ये बीजेपी को डर हो गया है, बीजेपी को डर गया कि लोग विपक्ष के लोग एक कैसे हो रहे हैं। 24 को लेकर बैठक भी होने वाली है, तमाम विपक्ष के नेता अनेक राज्यों से आएंगे, उसको लेकर क्या रणनीति बन रही है, राजद क्या रणनीति बना रही है? अब इसकी रणनीति जो तैयार होगी वो हमारे नेता और हमारे विपक्ष के तमाम लोग करेंगे। कि मुद्दाएं तो सैकड़ों हैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, एक मुद्दा नहीं ना है, सैकड़ों मुद्दा है। देखिए एक मुद्दा नहीं है, सैकड़ों मुद्दा है। साधु पासवान थे राजद के 80-80 प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, साधु पासवान जी का यह साफ कहना है कि एक मुद्दा नहीं है, सैकड़ों मुद्दा है। और कहीं ना कहीं महंगाई हो, बेरोजगारी हो या फिर जिस तरीके से खातों में पैसे डालने की बात हुई थी वो भी भाजपा सरकार ने नहीं किया, तो वहीं भाजपा सरकार ने पूरे तरीके से पूरे देश को बर्बाद कर दिया। आने वाले 24 में विपक्ष एक होगा तो वहीं भाजपा वाली सरकार डरी हुई है बिहार आगमन से लेकर लालू यादव की। बता दें आपको कि तमाम विपक्ष एक हो रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष एक हो रहा है इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उनको बस बयानबाजी ही करना आता है। तो वहीं क्या कुछ कहते साधु पासवान, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।